सही तरीके से पार्क ये वाहन, सड़क पर कतार में चलती गाड़ियां, यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करते वाहन चालक। जी हाँ, ये भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में बसे रमणीक राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक के दृश्य हैं। कुल 48,000 वाहनों वाले इस राज्य में भी सड़कें ढलान और चढ़ाई वाली और संकरी हैं, और पीक आवर्स में यहाँ भी दफ्तर या काम पर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य में ना तो सड़कों का चौड़ा होना संभव है और इसके चलते ना ही ट्रैफिक जाम से बचना। ऐसे में जनता ने खुद ही ट्रैफिक जाम को कम करने का रास्ता निकाला है, और वो है सड़कों पर वाहन ना पार्क करके। हम इस समय सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में सफर कर रहे हैं, और जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं, लोगों ने पार्किंग, अपने वाहनों की पार्किंग उसी जगह पर की है जहां पार्किंग उन्हें आवंटित है, ना कि सड़क पर। इससे ना तो सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलती है, बल्कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलती है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ निर्धारित स्थानों पर वाहन पार्क होते हैं, और यही नहीं, सड़क पर चलते हुए भी सभी वाहन, चाहे वो कार हो, टैक्सी या फिर दुपहिया वाहन, सभी एक कतार में चलते हैं। जब हमने सिक्किम के परिवहन सचिव SBS भदौरिया से बात की तो उन्होंने इस अनुशासन के पीछे का कारण कुछ यूं। सरकार ने निर्णय लिया कि हम उन्हीं लोगों को गाड़ी का परमिट देंगे जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था है। तो अभी जब कोई अप्लाई करता है तो हम पुलिस के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि जो आदमी एप्लीकेंट है उसके पास पार्किंग व्यवस्था है। सिक्किम की सड़कों पर आप न सिर्फ यातायात बल्कि किसी वाहन के हॉर्न का शोर भी आपको सुनाई नहीं देगा। इसी के चलते राज्य परिवहन विभाग जल्द ही नो हॉकिंग नियम लागू करने जा रहा है। ये एक ऐसा प्रपोजल सरकार से अप्रूव किया जाए कि एक पहले उसको अवेयरनेस कराएंगे, ये 2-4 साल देखेंगे कि अवेयरनेस करके इससे काम चल जाता ठीक है, नहीं तो उसको लीगल फॉर्म देंगे। हॉर्न बजाना कम से कम, अगर इंसान सीखना चाहे तो हर जर्रा कुछ सिखा सकता है, और सिक्किम के पास तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है। सिक्किम में न सिर्फ अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि अनुशासन भी है, जो यहाँ के अनुशासन प्रिय निवासियों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तो आइए सिक्किम और देखिए राज्य अनुशासन के मामले में इतना बड़ा बन गया। दूरदर्शन समाचार के लिए गैंगटॉक से राजीव रुस्तगी।